आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में दुनिया भर में गुर्दे की बीमारी तेजी से बढ़ रही है और हम इससे अनजान बने रहते हैं। इसी किडनी डिजीज के खतरे को कम करने और किडनी को हेल्दी रखने के तरीकों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल वर्ल्ड किडनी डे मनाया जाता है। इसी श्रृंखला में किंग्सवे अस्पताल में वर्ल्ड किडनी डे मनाते हुए किडनी की बीमारी से जुड़े विविध पहलुओं पर जानकारी देते हुए जागरूकता की गई। इस समय मुख्य अतिथि के रूप में सांसद विकास महात्मे उपस्थित थे, साथ ही किंग्सवे अस्पताल के डॉक्टर खेतान और अस्पताल के अन्य डॉक्टर्स उपस्थित थे। वर्ल्ड किडनी डे पे मैं ये कहना चाहूँगा कि किडनी की बीमारियाँ दिन ब दिन बढ़ रही है, लेकिन ये हम कम कर सकते हैं, अपने कंट्रोल में है। जिसे मैं सबको कहना चाहता हूँ कि भारत में गर्मी बहुत रहती है, विदर्भ एरिया में तो बहुत ज़्यादा है, तो ये हम पानी ज़्यादा पीते रहें और दर्द यदि हो रहा तो जैसे हमेशा गोली खाते हैं वैसा ना करते हुए डॉक्टर के सलाह के बाद ही दवाइयाँ लें। लेकिन और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ जो प्रोग्राम आयोजित किया था बहुत ही अच्छे से किया गया किंग्सवे हॉस्पिटल द्वारा, डॉक्टर खेतान, डॉक्टर आचार्य, डॉक्टर बोकारे, डॉक्टर रामटेके, इन्होंने सब मिल के एक प्रोग्राम आयोजित किया ताकि जिन्होंने किडनी डोनेट की है उनका सत्कार किया गया। तो ये किडनी डोनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि बहुत ज़रूरी है, लेकिन लोगों को स्वाभाविक रूप से डर रहता है, तो जिन्होंने किडनी डोनेट करके भी स्वस्थ हैं उनका सबका अपन ने यहाँ सत्कार किया। वैसे ही जिनको ट्रांसप्लांट ऑपरेशन हुआ और जिनका डायलिसिस शुरू है, डायलिसिस रेगुलरली यदि हम करते हैं तो हमारी सेहत अच्छी रह सकती है किडनी डिजीज़ के बावजूद भी, यह भी यही लोग बता रहे हैं। और इसके लिए परसिस्टेंस की ज़रूरत है और मैं कहता हूं कि ये किडनी डोनेशन दिन ब दिन बढ़े और हमारे किडनी के लिए जो भी परेशानियां हैं उसका यदि हम ईयरली चेकअप रखते हैं तो किसी को ये बीमारी नहीं होगी, हम प्रिवेंट कर सकते हैं। आज हम किंग्सवे हॉस्पिटल में वर्ल्ड किडनी डे के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसमें हम लोग का मुख्य उद्देश्य था कि पेशेंट जो डायलिसिस पे है और जो पेशेंट जिनका ट्रांसप्लांट हो चुका है वो आपस में मिले और पता करें कि ट्रांसप्लांट के बाद लाइफ कैसा रहता है, वो उनके डोनर से मिले जिनसे काफ़ी डर रहता है लोगों के मन में किडनी डोनेट करने के लिए। तो वो जब ये देखेंगे कि जिन्होंने किडनी डोनेट की है वो शारीरिक रूप से पूरे स्वस्थ है, अपने पूरे काम कर रहे हैं, और जिन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट किया है वो पेशेंट भी बहुत अच्छे हैं, तो उनको प्रोत्साहन मिलेगा कि वो डायलिसिस न करके किडनी ट्रांसप्लांट करवाए, जो कि एक बेहतर इलाज है। डायलिसिस भी एक अच्छा इलाज है, लेकिन डायलिसिस से बेहतर इलाज किडनी ट्रांसप्लांट है, जो कि क्वालिटी ऑफ लाइफ भी काफ़ी इम्प्रूव करता है। और जो साल जुड़ते हैं ट्रांसप्लांट करने के बाद में पेशेंट की ज़िंदगी में, वो डायलिसिस पे के रहने से काफी ज्यादा रहते हैं। इस दौरान किडनी की बीमारी से जूझ रहे मरीज भी उपस्थित थे, साथ ही किडनी की बीमारी से स्वस्थ हुए लोगों ने इस कार्यक्रम के दौरान संवाद साधकर किडनी की बीमारी से कैसे राहत पाई जा सकती है, स्वस्थ जीवन कैसे जिए, इस संबंध में संवाद साधा। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।